नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाट पर स्वागत करता हूँ। सभी भवन का फिर से हाजिर हूँ। आपके नई जानकारी शून्य मंडल में जाना, देवताओं का दिखना, अनहद नाद का सुनाई देना, तीनों चीज़ें किसी व्यक्ति के साथ होना। ये किन लोगों के साथ होता है? जो लोग ध्यान ज़्यादा करते हैं, जो लोग आँख बंद करके जप करते हैं, उन लोगों के साथ पॉसिबिलिटी है। जो जप या उच्चारण करते वक्त मंत्र का कम आवाज़ और धीमी आवाज़ में जप करते हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे खाली लिप्स ही हिलाते हो, उसमें आप होते ना मासिक और अशुभ जप होता है वही जप करते हैं। जो बातचीत जप होता है जैसे बोलते हैं उस प्रकार से जप नहीं करते, उन लोगों के साथ ही होता है। शून्य मंडल में एंट्री होने के बाद नींद का झोंका आना, उस झोंके में आपको अपने माथे के बीच में ब्लू कलर के प्रकाश में कुछ आकृतियाँ दिखाई देना जिसको आप नहीं समझ पाते हो, उसके बीच में आपको चक्कर अलग अलग कलर दिखाई देना। शून्य मंडल में एंट्री होने के बाद कान में आपकी आवाज़ आना, किसी भी प्रकार की फ्लू की हो सकती है, बोलते ना कि जैसे ट्रेन का एक हूटर होता है जो बोलते हॉर्न होता है उसकी आवाज़ हो सकती है, या उसके अलावा कान में वैसे टांटा होने, जब किसी ने थप्पड़ मार दिया होता है एकदम से कान का बंद हो जाना, ब्लॉक हो जाना, ये सारे सिम्टम्स शून्य मंडल की एंट्री के हैं, जिसका लिंक आपकी कुंडलिनी शक्ति के साथ है। जब आपके सातों चक्रों में शक्ति प्रवेश कर जाती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को बैठक ज्ञान के लिए ऐसा है कि योग्य गुरु के सानिध्य में जब कोई साधना सिद्धि करता है कोई व्यक्ति, तो उसको पूर्ण रूप से सही अनुभव आते हैं, उसके मन में जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर पा लेते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि गुरु के पास भी कभी समय नहीं होता है, या वो आपको आपके साथ बातचीत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना शेड्यूल है, कर्म सब व्यक्ति करते हैं, कर्म के अनुसार ही समय जो है, समय के अकॉर्डिंगली और कर्म के अकॉर्डिंगली हर एक व्यक्ति बिजी है, तो उसी हिसाब से वो समय नहीं दे पाते हैं। इसीलिए आप यहाँ पे वीडियो देख के इन चीज़ों को समझ सकते हो, या आप लोगों के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट स्क्रीन जो पर आ रही है sanninashrama.com, इसमें विजिट जरूर करना। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीन मेरे चैनल को अपना शिव गुरु से, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट के दुनिया में कोई मेरे गुरु को चेला को गुरु ने किसी के झांसे मत फंसना। सभी धर्मों का जिस मन करते हो व्यक्ति को दायरे का ध्यान रखते, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। लाइव चैट में मेरे साथ फ्री बात कर सकते हो, इसीलिए सन्नीनाथ और मोहन अट्रासिस चैनल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना है, सबसे ज़्यादा लाइव सन्नीनाथ के लोगों। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके रखना, फ्री में बात करनी यहीं तक सीमित रहना। ऐसे व्हाट्सएप पर मैसेज हेलो हाय गुड मॉर्निंग ये भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बातचीत नहीं होनी है। जो सर्विस है सर्विस के लिए जो भोग प्रसाद रहता है, अगर आपने अरदास लगवानी है, बंधन लग रहा है, किसी कार्य में अटक रहे हो, तो वहाँ पर जो भोग प्रसाद होने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। फ्री में बातचीत करनी है, प्रश्न पूछने हैं तो स्ट्रीमिंग में जरूर जितने मर्जी प्रश्न पूछो उनके उत्तर आपको जरूर दिए जाएंगे, जितना यहाँ पर ज्ञान है। शून्य मंडल में एंट्री होने का मतलब है कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी है आपकी, और आप अब किसी के बारे में भी आदेश दुआ फैद कर सकते हो, आप देवता के साथ कनेक्ट होकर बातचीत भी कर सकते हो। सो आदेश निश्चय।